बीजेपी की केंद्र सरकार से हमारे बच्चों को रोजगार दिए नहीं जा रहे, पाकिस्तान से लोगों को लाके उनके बच्चों को रोजगार देना चाहते हैं। किसी की नौकरी ली जाएगी न किसी की नागरिकता ली जाएगी। बीजेपी वाले पाकिस्तान से लोगों को लाके उन्हें भारत में बसाना चाहते हैं, उनको घर देना चाहते हैं। केजरीवाल जी, वोट बैंक की प्रत्याशा में आप कहां तक जाएंगे? हमारे रोजगार उनके बच्चों को देना चाहते हैं, हमारे हक के घर उनमें पाकिस्तानियों को बसाना चाहते हैं। कृपया करके झूठ का व्यापार करना बंद करें। मित्रों, आज केजरीवाल का एक बहुत ही विचित्र वक्तव्य आया है कि सीए के आने से बाहर के लोग नौकरी लेंगे। ये कौन सा तर्क है? ये जो हिंदुस्तान में लोग आए हैं ये कौन है? ये अपने आस्था के नाम पर प्रताड़ित होकर आए हैं। पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से, और इसलिए प्रताड़ित हुए कि उनकी आस्था दूसरी थी। वो हिंदू थे, सिख थे, क्रिश्चियन थे, पारसी थे। तो भारत तो एक प्रकार से इस तरह से प्रताड़ित लोगों के लिए अवसर देता है ना, और यही रह रहे हैं ना वो बड़ी संख्या में। तो क्या उनको कानूनी माध्यम से नागरिकता का संरक्षण देना भारत का नैतिक, संवैधानिक और सांस्कृतिक अधिकार है या नहीं? न किसी की नौकरी ली जाएगी न किसी की नागरिकता ली जाएगी, ये बात हम बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं। लेकिन केजरीवाल जी, वोट बैंक की प्रत्याशा में आप कहां तक जाएंगे? बार बार माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने इसको स्पष्ट किया है कि सीए हिंदुस्तान के किसी नागरिक की नागरिकता नहीं लेगा। सीए कानून का हिंदुस्तान के किसी भी नागरिक के बारे में कोई संबंध नहीं है। न हिंदुस्तान में रहने वाले किसी की नागरिकता छीनेगा न किसी को नागरिकता देगा। ये केवल और केवल वो लोग जो अपनी आस्था के नाम पर प्रताड़ित होकर पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान आदि से आए हैं उनको नागरिकता देता है। और गृह विभाग ने भी बकायदे एक स्टेटमेंट इशू किया है कि सीएए देश के मुसलमानों के विरोध में कुछ नहीं कहता। तो ये फिर बिना मतलब का प्रोपेगेंडा क्यों किया जा रहा है? और सबसे आश्चर्य की बात है कि ये कौन लोग हैं जो रोहिंग्या के पक्ष में खड़े होते हैं और कहते हैं कि उनको अवसर दो, उनको अधिकार दो, और जो प्रताड़ित होकर हिंदुस्तान में दर दर भटक रहे हैं, पीड़ा की जिंदगी जी रहे हैं, जिल्लत की जिंदगी जी रहे हैं। आज भारत ने जब उनके लिए कोशिश की है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने, तो उसको लेकर इस तरह की बातें कही जा रही हैं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। सीएए के नाम पर सांप्रदायिक उन्माद फैलाने वालों से मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, कृपया करके झूठ का व्यापार करना बंद करें। स्टॉप टेलिंग लाइज अबाउट द सीए। कल मैंने ममता जी का एक वक्तव्य देखा, उनकी राजनीतिक जमीन खिसक रही है बंगाल में, तो वो चिल्ला रही हैं। अब उस रेस में कूद गए श्रीमान केजरीवाल जी, और दक्षिण भारत में तो वही हैं लेफ्टिस्ट लोग। यू वुड लाइक टू क्लियरली क्लैरिफाई ऑन बिहाफ ऑफ द बीजेपी दैट सीएए डज नॉट एट ऑल टेक अवे द सिटीजनशिप ऑफ एनी इंडियन। It does not at all deprive any Indians of their citizenship. It's only and only related to those who have been victims of persecution because of their faith and were forced to flee away from Pakistan, from Afghanistan and from Bangladesh. So India as a country imbued by its civilizational heritage and constitutional obligation has given them
this protection under CAA. I would urge the parties also of South India, particularly in Kerala and Tamil Nadu, please stop spreading hatred based upon falsehood. तो मित्रों मुझे कहना था केजरीवाल जी तो कुछ नए नए तर्क रोज निकालते हैं, छोड़ दीजिए उनको, सबकी सियासी जमीन खिसक रही है, इसलिए हम ये स्पष्ट करना चाहेंगे कि CAA कानून बनाया गया है प्रताड़ित लोगों के लिए जो अपनी आस्था के कारण प्रताड़ित होकर आए, और इसके बारे में और कृपया करके झूठ गलतफहमी फैलाना समाप्त।